नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश कुमार पारिक, ग्राम खींचिया, चक 5 के एचएम, जिला बीकानेर का निवासी हूँ। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, डिग्गी के अंदर एक आपको काला पाइप नजर आ रहा है, इसके नीचे एक मोटर है, वो डीसी मोटर है लॉरेंस कंपनी की। मैं इसलिए इसकी विशेषता इसलिए मैंने खरीदी क्योंकि ये डीसी मोटर होने के कारण कम तापमान में, कम वोल्टेज में अधिक फुहारे चलाती है। ऐसी मोटर जो मेरे पड़ोस में लगी हुई है किसी दूसरी कंपनी की, वो लगभग बड़े वाले जो फुहारे हैं वो 15 से 16 चला रही है। ये लॉरेंस मोटर जर्मनी की कंपनी है, लॉरेंस, उसकी मोटर है। 10 साल मेरे को सिस्टम लिए हो गए, 1% भी कभी इसको रिपेयर नहीं कराया और नहीं ये रिपेयर होती है क्योंकि इसके ख़राब होने के भी चांस जीरो है। उसके बाद के अंदर इसमें ये जो मोटर है ये 22-23 फुहारे चला रही है, मतलब जो दूसरी मोटर 3 HP से 15 फुहारे चला रही थी, ये 22-23 चला रही है और ये पानी के ऊपर तैरती रहती है। साफ पानी अपने को मिलेगा, ड्रिप चोक नहीं होगी। नीचे अगर फुटबॉल से अपने पानी उठा रहे हैं तो वो मिट्टी भी साथ में आएगी, नेचुरल बात है, तो ड्रिप में भी आगे समस्या आएगी। तो ये भी मतलब ड्रिप चलाने में इसका भी बहुत बढ़िया योगदान है। सर, अपने बात करते हैं, जैसे इस डायरेक्ट सोलर से चल रही है, हाँ जी, लेकिन इसकी कीमत क्या कुछ है? इसका मेरे ये सब्सिडी के अंदर सिस्टम लगा था, उस टाइम सोलर के अंदर 90% सब्सिडी थी, तो टोटल मेरे 60,000 रुपये पूरे सिस्टम का लगा था। बाकी इसकी जो पूरे सिस्टम की जो कॉस्टिंग थी वो थी 540,000 रुपये, जिसके अंदर 180,000 रुपये ये मोटर है, तो उसमें वो तो सब्सिडी के तौर पे मेरे को मिली। मेरे को टोटल 60,000 रुपये ही देने पड़े। आज अगर सिर्फ अकेली मोटर लेते हैं तो इसकी कीमत लगभग 120,000 रुपये किसान को बगैर सब्सिडी के देनी पड़ती है। 3 HP के मोटर की, ओनली 3 HP की? हाँ, ओनली 3 HP की। जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया देश है और सबसे आगे चल रहा है जर्मनी में, तो इसकी टेक्नोलॉजी पे इसमें मेंटेनेंस जीरो है, तो ये मोटर डीसी मोटर कभी ख़राब नहीं होती। अगर बाई चांस ख़राब हो भी जाती है तो इसको मतलब ठीक होने के चांस भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसके सर्विस सेंटर नहीं है, ये जर्मनी से इंपोर्ट की हुई है। ठीक है, तो लगभग 10 सालों से आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो, आज तक ये ख़राब नहीं हुई? हाँ, बिल्कुल नहीं है, अभी भी ये चल रही है। 10 साल से मैं यूज़ ले रहा हूँ और मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो साथियों, इस वीडियो में बताने का हमारा एक ही मकसद था कि भाई, जो आप वीडियो में देख पा रही हैं, एक पाइप है, हालांकि ये मोटर नहीं है, ये एक पाइप है और इस पाइप के साथ मोटर बांधी हुई है ताकि वो ज़मीन में पानी में डूबी रहें, और इस पाइप से लगभग 1-1.5 फीट नीचे है, तो 1-1.5 फीट नीचे होने के कारण क्या है कि नीचे की मिट्टी भी नहीं उठाएगी और ऊपर का तैरने वाला कचरा भी नहीं उठाएगा, जो कि आपकी ड्रिप या इरीगेशन सिस्टम है वो चोक नहीं होगा। तो ये महंगी ज़रूर है, लेकिन एक वो बागड़ी में कहावत है ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन ये मोटर है, जो कि अपने यहाँ सामने 3 HP का सोलर कनेक्शन से ये मोटर चल रही है। और सामने अगर मैं बात करूं तो भाई साहब के वो ड्रिप सिस्टम के लिए फिल्टर और वेंचुरी सिस्टम भी है, जहां आपका पानी फिल्टर और दवा इत्यादि भी आप दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।